this is Chandni Dinani welcoming you to Magnet Brains and as you all know that we are discussing the chapter reach for the top but part 1 यानी ये पूरा चैप्टर जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है फर्स्ट पार्ट इज अबाउट एन इंडियन माउंटेनियर दैट इज संतोष यादव जिनके बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं एंड वी हैव गॉट टू नो अ लॉर्ड अबाउट दिस वूमेन हु हैज नॉट ओनली मेड आर नेशन प्राउड बट हैज ऑल्सो गिवन अस अ वेरी बिग मैसेज दैट इफ यू आर डिटर्म इफ यू आर फोकस्ड फॉर योर गोल डेफिनेटली यू कैन अचीव इट तो ये पूरा जो स्टोरी था अबाउट संतोष यादव दैट इज वेरी ब्यूटिफुल एंड सिमिलरली पार्ट जो है इस चैप्टर का वो है अबाउट अ टेनिस प्लेयर मारिया शरापोवा और इनके बारे में जो स्टोरी है वो हम डिस्कस करेंगे इन द प्रीवियस वीडियो बट नाउ वी नीड टू सी द कंप्लीट कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ दिस चैप्टर वंस अगेन सो वी गेट द पॉइंटर्स दैट यू कैन आंसर्स व्हिच आर आस्क्ड रिलेटेड टॉप तो जो, जो है वो क्या है एक बायोग्राफी है अबाउट टू ग्रेट तो यहाँ पर जो बायोग्राफी अबाउट संतोष यादव गिवन है उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे ओवरऑल समरी तो इस पूरी स्टोरी ये जो पूरा चैप्टर आपको गिवन है इसमें आपको ये बताया गया है कि हु इज संतोष यादव वॉट वॉज हर फैमिली बैकग्राउंड वेर वॉज शी बॉन किस तरीके से शी ऑलवेज हैड हर ओन रूल्स इन द लाइफ और उनका मानना था इफ आई एम राइट दैट इज इफ शी इज राइट एंड शी टेक्स अ डिसीजन जिसकी वजह से यू you नो know, किसी को हार्म नहीं हो रहा है जो परफेक्टली करेक्ट है सो पीपल अराउंड हर शुड चेंज नॉट शी तो ये बहुत से इंस्टेंसेज हैं जो यहाँ पे हमें दिखते हैं स्टोरी में विच टीचर्स आर द लॉर्ड दैट अगर आप किसी भी चीज़ को यू you नो know, आप जानते हो कि वो सही है देखो हम जब भी कोई भी चीज़ सोचते हैं कोई गोल या कोई ऑब्जेक्टिव या कोई भी एक डिसीजन लेते हैं फॉर आस एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट वो जोश जोश में हमें सही लगता है बट इफ यू काइंड ऑफ एनालाइज इट ठंडे दिमाग से सोचो उसको ऑब्जर्व करो एनालाइज करो देन यू गेट टू अंडरस्टैंड कि कभी कभी वो डिसीजन जो हैं वो गलत भी हो सकते हैं तो हमें एक बार यू नो अदर साइड ऑफ द कॉइन हमेशा देखना चाहिए बट इफ यू फील कि आपका जो डिसीजन है वो बहुत ही सही है उसकी वजह से किसी का नुकसान नहीं हो रहा है आपका कोई नुकसान नहीं है आपके पेरेंट्स का कोई नुकसान नहीं है देन डेफिनेटली आपको उस पर खड़े रहना चाहिए दैट इज समथिंग जो हमेशा संतोष यादव जी करती थी जैसे कि एक एग्जाम्पल हम लें कि संतोष यादव जी के विलेज में अगर कोई 16 इयर्स की गर्ल हो जाती थी तो उनकी शादी होना 100 है सिमिलर वे जो प्रेशर था था संतोष यादव जी पे वो सेम था भाई कि तो पूरी लिस्ट ऑफ चीजें क्या करना है लाइफ में, तो में कहीं पे सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज थी उनके लिए वो क्या थी शादी तो उनका मानना था जब तक मैं अपनी पूरी पढ़ाई नहीं कंप्लीट कर लेती हूँ द डे आई एम लाइक आई हैव डन एवरी थिंग आई हैव टेकन यू नो फुल एजुकेशन तब तक मैं शादी के बारे में नहीं सोचूंगी एंड दैट इज़ समथिंग जो बहुत अच्छा डिसीजन था उनका जिसकी वजह से ना उनके पेरेंट्स को कोई हार्म होता ना उनको कोई हार्म होता इनफैक्ट पूरे नेशन को उन्होंने प्राउड फील कराया इस डिसीजन से तो ये कुछ चीज़ें हैं कुछ एस्पेक्ट्स हैं उनकी पर्सनैलिटी के उनके कैरेक्टर के जो कि बहुत ब्यूटिफुल है जिससे हम बहुत कुछ सीखते हैं कि अगर आप फोकस्ड हो डिटर्मिंड हो आपने मान लिया है कि भाई मुझे ये अचीव करना है देन कोई चीज नहीं है जो आपको रोक सकती है ऑल्सो आपको बहुत से सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे बहुत से हर्डल्स आएंगे स्पीड ब्रेकर्स आएंगे लाइफ में बट वो आपके ऊपर है आप वहीं रुक जाते हो या आप और ज्यादा स्पीड से यू you नो know, वो डिटर्मिनेशन वो पैशन वो जील दिखाते हो जिससे आप वो हर्डल को ईजिली क्रॉस कर लो तो ये ओवरऑल स्टोरी जो है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ब्यूटिफुल है वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हमें इनके बारे में पढ़ने को मिल रहा है नाउ लेट्स रीड द कंप्लीट स्टोरी अगेन सो दैट हमें सारे इंस्टेंसेस सारे जो पॉइंटर्स हमने चैप्टर में डिस्कस किए हैं ऑलरेडी वो फिर से हम रिवाइज कर लें Alright, so the summary here that begins Part One of Reach for the Top starts with Santosh Yadav, the first woman on Earth who has climbed the Mount Everest.

तो ये जहां पर यू you नो know, पैदा हुई है दैट इज पेट्रियाल जो सोसाइटी होती है इसका मतलब जहां पे बॉयज का बॉर्न होना ज्यादा यू नो ब्लेसिंग माना जाता है कि अगर किसी के घर में एक लड़का पैदा होता है तो दैट्स अ ब्लेसिंग और लड़कियों के लिए कर्स नहीं माना जाता ऐसा नहीं माना जाता कि कोई गलत चीज़ है बट वेलकमिंग नहीं होता कि अगर कोई गर्ल पैदा होती है तो कोई खुश नहीं होता बट अगर कोई बॉय पैदा होता है तो इट्स लाइक एन ब्लेसिंग वो एक आशीर्वाद के तौर पे लिया जाता है सेम सोसाइटी में कौन बॉर्न हुई हैं संतोष यादव जी तो ऑब्वियसली जब ये बॉर्न हुई होंगी तो हमें ये एक्सपेक्टेशन है कि उनके घर वाले उनकी जो सोसाइटी है वो भी इतनी हैप्पी नहीं हुई होगी बट लेट्स सी कि इसके बिल्कुल ऑपोजिट हमको कुछ देखने को मिलेगा व्हेन संतोष वाज टू बी बॉर्न सेंट अज्यूमिंग दैट संतोष माधव वॉन्टेड सन ब्लेस्ड दैट शी वुड बिगेट अ सेम वे क्या होता है कि जब संतोष यादव जी यू नो बॉर्न होने वाली थी तो उनकी मम्मा को एक सेंट ने आकर आशीर्वाद दिया कि भाई जैसे कि हर कोई एक लड़की को एक्सपेक्ट करता है तो ये भी यू you नो know, चाहती हूं सारे लड़के को एक्सपेक्ट करते हैं तो ये भी चाहती होंगी कि उनको बेटा हो तो सेम वे दैट सेंट यू नो ब्लेस्ड दिस वुमन दैट इज संतोष यादव्स मदर दैट यू विल आल्सो बी ब्लेस्ड विद अ सन एज शी ऑलरेडी हैड फाइव सन संतोष ग्रैंड मदर सेट टू द सेन दैट दे डिड नॉट वॉन्ट अट जब यू नो संतोष यादव जी की जो ग्रैंड मदर है वो वहीं पे खड़ी रहती है तो वो सेंट को बोलती है कि नहीं हमें बेटा नहीं हमें बेटी चाहिए वी डोंट वांट अ सन तो ये बहुत ज्यादा यू you नो know, अजीब सी बात थी बहुत अनयूजअल सी चीज थी सेंट के लिए बिकॉज वहां कोई नहीं बोलता कि हमें बेटा नहीं चाहिए बेटी चाहिए तो ये क्या रीजन था जिसकी वजह से उनकी ग्रैंड मदर बोल रही थी कि हमें एक डॉटर चाहिए बिकॉज उन जो संतोष यादव की मदर है उनके ऑलरेडी फाइव सन्स थे पांच बेटे थे तो दिस टाइम दे वांटेड कि उनको एक बेटी हो तो वही चीज वो सेंट को बोलती है संतोष की ग्रैंड मदर दैट वी डोंट वॉन्ट अ सन

ब्लैसिंग टर्न इन टू अ रियालिटी एज संतोष वॉज बॉर्न और डेस्टीन था भाई ये लिखा हुआ था किस्मत ने दिस इज समथिंग जो रियालिटी में चेंज हो गया कि वो सेंट ने जो तो ब्लेसिंग दी थी भाई कि आपको बेटी होगी और उनको बेटी ही हुई और वो कौन है संतोष यादव क्लियर ऑल राइट She was the youngest child, a sister to five brothers. तो वो क्या है भाई सबसे छोटी बेटी है और ये पांच भाइयों के बाद जो एक बहन है ठीक है इसका मतलब ये है कि संतोष यादव जी के कितने five brothers हैं और सारे ही elder brothers हैं She is the youngest child. संतोष यादव वॉज बोर्न टू वेल्दी लैंड ओनर्स इन जोनिया अ विलेज ऑफ रोहतक डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा तो ये हरियाणा में बॉर्न हुई हैं जोनिया इनके विलेज का नाम है तो वहाँ पर ये जिस फैमिली में बॉर्न हुई हैं दैट वाज नॉट कि कोई पुअर फैमिली हो या फिर दोनों मिडिल क्लास फैमिली हो नहीं वेल टू डू लैंड ओनर्स थे बहुत बड़े जमींदार थे इनके पापा तो शी वॉज बॉर्न इन अ वेरी गुड फैमिली अब यहां पर संतोष यादव जी के बारे में हम आगे पढ़े इसके पहले एक और पॉइंट है कि संतोष यादव जी के नाम का मतलब क्या है so we all know संतोष संतुष्टि वर्ड से आया है यानी वो satisfaction. तो इनका नाम भी क्या रखा गया संतोष क्लियर ऑल राइट शी वॉज दिक्स चाइल्ड ऑफ अवर फैमिली एल्डर ब्रदर्स ऑल दोल लैंड ओनर्स ड्यू टू शी वॉज फोर्स टू स्टडी इन विलेज स्कूल अब इनकी जो फैमिली के बारे में बैकग्राउंड क्यों दिया गया है कि शी बिलोंग टू वेल टू डू लैंड ओनर फैमिली बिकॉज मतलब उनकी फैमिली अगर चाहती तो वो क्या कर सकती थी वो इनको अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते थे वो उनको यू नो डेली के अच्छे अच्छे स्कूल्स में भेज सकते थे क्योंकि इनके पास इतने पैसे थे दैट दे अफोर्ड द फीस बट वो नहीं करते हैं ऐसा क्यों बिकॉज उस सोसाइटी में उस विलेज में कुछ ट्रेडिशंस हैं जो फॉलो होते थे कि हर कोई विलेज के स्कूल में ही जाएगा तो वो ट्रेडिशंस के चक्कर में इनकी फैमिली जो है वो भी यही फॉलो करते हैं द प्रिवेलिंग कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस और फिर वो संतोष यादव जी को भी एक विलेज के स्कूल में ही एडमिशन दिला देते हैं

16 इयर्स की एज पे द गर्ल्स व प्रेशराइज पेरेंट्स कि उनकी शादी हो जानी चाहिए यानी उनके विलेज में कोई गर्ल 16 इयर्स की हुई कि उसकी शादी होना 100 परसेंट था बट सिमिलर वे में जो संतोष यादव जी हैं एज शी यू नो टर्न 16 उस वक्त उनको भी यही प्रेशर फील करना पड़ा फ्रॉम हर पेरेंट्स की यू शुड गेट मैरिड नाउ तो उनका मानना था कि मुझे यू you नो know, कभी ना कभी एक सिस्टम को एंड करना है इसको चेंज करना है बट मैं एक राइट right मोमेंट के लिए वेट करूंगी और वो राइट right मोमेंट इनके लिए यही था जब वो सिक्सटीन ईयर्स की हो जाती है लेट्स सी कि वो क्या डिसीजन लेती है फॉर संतोष गेटिंग मैरिड वॉज नो वेर इन द लिस्ट लाइक इट वॉज द लीस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हर उनके लिए अगर कुछ यू नो अगर हम बोले प्रायोरिटीज थी उनकी लाइफ में कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना तो शादी नहीं करना था उनको कब अभी इतनी जल्दी बिकॉज उनको था कि एजुकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है एंड दैट वॉज समथिंग जो मैरिज का फैक्टर है दैट वॉज द यू नो लीस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हर और एट दी एंड ऑफ द लिस्ट ऑफ थिंग्स जो कि वो करना चाहती थी

संतोष टूक एडमिशन इन अ स्कूल इन डेली बट पेरेंट्स रिफ्यूज टू सपोर्ट हर एंड वॉट शीड इट वॉज भाई मुझे शादी नहीं करनी आई वॉन्ट टू कंटिन्यू माई एजुकेशन तो वो डेली में एक स्कूल में एडमिशन ले लेती है बट उनके पेरेंट्स वर लाइक वी विल नॉट सपोर्ट यू हम नहीं भेजने वाले तुमको डेली स्कूल में पढ़ने के लिए हम तुम्हारी फीस ही नहीं देंगे तो हाउ विल यू गेट दी एडमिशन और हाउ यू विल स्टार्टी इन द स्कूल ऑफ़ डेली शी एक्सेप्टेड इट एंड डिसक पार्ट टाइम टू फंड हर स्कूलिंग फी अब वो बहुत ही यू you नो know, बोल सकता है इंटेलिजेंट भी हैं और ऐसा नहीं था कि वह आर्ग्यूमेंट करने लगती हैं अपने पेरेंट्स से डिबेट करने लगती है कि ऐसे कैसे मुझे जाना है ऐसा नहीं वॉज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड वो इतनी कामनेस के साथ बहुत ही शांति के साथ अपने पेरेंट्स को बोलती है ठीक है आप लोग मुझे पैसे नहीं देंगे स्कूल फी भरने के लिए तो मैंने एक डिसीजन लिया है कि मैं डेली जाके पार्ट टाइम जॉब करूंगी फिर उससे जो भी पैसे आएंगे मैं उससे स्कूल फी भरूंगी अब ऑब्वियसली कोई भी पेरेंट्स जो कि ऑलरेडी वेल टू डू फैमिली को बिलोंग करते हैं जिनकी फैमिली में यू नो दे अफोर्ड दे हैव मनी वो अपने बच्चों को थोड़ा बोलेंगे कि पार्ट टाइम जॉब करो तो वो क्या करते हैं वो भी अग्री कर जाते हैं कि नहीं नहीं संतोष यादव के लिए बोलते हैं वो कि तुम्हें पार्ट टाइम जॉब करने की जरूरत नहीं है We would pay the fees of your school. Finally, her parents agreed to support her. Her father accepted her desire to get higher education. आफ्टर हाई स्कूल संतोष ज्वाइन दी महारानी कॉलेज एट जयपुर एंड लिव एट दी कस्तूरबा होस्टल तो उनके फादर जो है उनको आदत हो गई थी कि भाई संतोष को बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी है तो वेन एवर शी केप दिस डिज़ायर ऑफ स्टडिंग यू नो जब भी उन्होंने अपनी ये ख्वाहिश रखी अपना ये यू नो पॉइंट ऑफ व्यू प्लेस किया अपने फादर के सामने कि आई वॉन्ट टू स्टडी तो अब उनके पापा को आदत हो गई थी उनको पता था कि ये लड़की नहीं मानने वाली है इसको पढ़ाई करनी है सो दे ऑल्सो अग्रीड टू इट उन्होंने भी ये सब चीज़ें एक्सेप्ट कर ली एंड स्लोली एंड स्टडली वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करती हैं तो कॉलेज जो है उनका वो कौन था महारानी कॉलेज में वो एडमिशन लेती है यानी जयपुर में वो जाती है अपने कॉलेज स्टडीज के लिए और वहां पर वो एक होस्टल में स्टे करती हैं और यहीं से उनका ये जो माउंटेन क्लाइंबिंग का ड्रीम ड्रीम बनना बोलना चाहिए स्टार्ट होता है उनको पहले कुछ नहीं पता था अब माउंटेनियरिंग बट अब ये धीरे धीरे चीजें स्टार्ट होती है लेट्स रीड इट सो देर शी सॉ दिलेज क्लाइंब द अरावली हिल्स एंड वॉज क्यूरियस टू नो वॉट वॉज एट दी अदर साइड ऑफ द हिल्स तो इनका जो रूम था उनके रूम के विंडो से यू नो इनको अरावली हिल्स दिखती थी वेरी वेल नोन हिल्स हर किसी ने नाम सुना है इसका तो उनको अरावली हिल्स दिखती थी और उन्हें क्या दिखता था कि कुछ विलेजर्स हैं जिसको क्लाइंब करने की कोशिश करते हैं और थोड़ी देर बाद वो वैनिश हो जाते हैं वो गायब हो जाते हैं तो शी ऑल्सो हैड दिस क्यूरियोसिटी कि मैं एक बार जाके देखू तो सही कि क्या होता है यू नो क्लाइंब करके जाते हैं ऊपर क्या है उस दूसरे साइड क्या है हिल के जैसे ही लोग गायब हो जाते हैं तो वो चाहते खाए तो शी हैड दिस क्यूरियोसिटी इन हर कि आई आई टू गो विजिटेड एंड सी अब देखो ये चीज़ जो है क्यूरियोसिटी वो हर किसी में होती है इफ यू ऑल्सो काइंड ऑफ यू नो चलो एक एक्साम्पल लेते हैं कि आपने कोई वीडियो देखा उसमें या तो कोई बहुत अच्छे से गाना गा रहा है या बहुत अच्छी ड्रॉइंग कर रहा है बहुत अच्छा डांस कर रहा है तो हम क्या होते हैं क्यूरियस होते हैं अरे भाई कैसे कर लेता है ये पर्सन हमें भी कुछ करना है नो वी ऑल्सो वॉन्ट टू बिकम फेमस बट हम सिर्फ सोचते हैं और वहीं रुक जाते हैं इनके केस में क्या था शी वॉज वेरी डिटर्म वो बहुत पैशनेट थी अगर उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे वहां जाके देखना है तो देखना है शी वेंट देर ऐसा नहीं था वो सिर्फ सोचती थी कि उन्होंने हाँ भाई मुझे कोई लोग दिख रहे हैं कितना अच्छा होता होगा एक्साइटिंग होता होगा हिल्स को क्लाइंब करना नहीं शी वॉन्टेड टू डू इट और वो वहां जाती भी है और इसी तरीके से उन्होंने पता चलता है कि उनको जो करना था जो सही था ऑब्वियसली वो वो करती थी ऐसा नहीं था कि वो उसको डिले करती थी या फिर उसको इग्नोर करती थी क्लियर ऑल राइट

और वो मे बी एक्सपेक्ट कर रही थी कि सामने वाले मना कर देंगे यू नो कि तुम कैसी क्लाइंबिंग कर सकती हो नहीं कोई जरूरत नहीं हमारे साथ आने की बट वो माउंटेनियर्स बहुत अच्छे लोग थे एंड दे सेड यू नो ऑब्वियसली यू कैन डू इट और सिर्फ हाँ ही नहीं बोला बल्कि उनको बहुत एनकरेज किया मोटिवेट भी किया कि यू कैन क्लाइंब दी हिल्स और इस तरीके से उनकी पहली माउंटेन क्लाइंबिंग की जो जर्नी है वो स्टार्ट होती है हर हार्ड वर्क फाइनली पेड ऑफ़ इन 1992 नाइनटी टू वैन शी क्लाइंब द माई टी माउंट एवरेस्ट वैन शी वॉज बेर् ट्वेंटी ईयर्स ओल्ड तो वो चार साल बाद ही यानी कि जब वो अरावली हिल्स का ये जो इंसिडेंट होता है उसके जस्ट चार साल बाद बहुत कम टाइम होता है और वो माउंट एवरेस्ट क्लाइंब कर लेती है यानी 1992 में व्हेन शी वाज ऑफ 20 इयर्स ओल्ड जस्ट इयर्स आफ्टर शी क्लाइंट अरावली हिल्स फॉर द फर्स्ट टाइम वो माउंट एवरेस्ट क्लाइंब कर लेती है जो बहुत बड़ी बात है इट्स नॉट इजी टू क्लाइंब एवरेस्ट दैट टू माउंट एवरेस्ट तो वो जो है फाइनली जब वो ट्वेंटी ईयर्स की है नाइनटीन का ईयर है चार साल बाद जब वो रावली को कर लेती है उसके चार साल बाद की बात है शी क्लाइंट द माइटी माउंट एवरेस्ट टू रिपीट करूं बार बार बिकॉज दीज आर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्लियर ऑल राइट

एज ह्यूमन बींग भी वो बहुत अच्छी थी क्योंकि ऐसा दो इंसिडेंसेज बताए गए यहाँ पर वेन शी वॉज क्लाइंबिंग यू नो माउंट एवरेस्ट दैट टाइम एक कोई पर्सन था हु नीडेड हेल्प उनकी तबियत खराब हो गई थी ही वॉज अबाउट टू लूज लाइफ और वो मदद करने की कोशिश करती हैं कौन संतोष यादव अनफॉर्चुनेटली उनको बचा नहीं पाती इतनी कंडीशन नहीं होती कि उनको वो सेव कर पाएं बट शी ट्राइड वो हेल्प करती हैं अपने फेलो क्लाइंबर्स की भी she was successful in saving another fellow climber Mohan Singh who fell short of oxygen by sharing her oxygen with him ऐसा नहीं कि उन्होंने कभी कुछ किया ही नहीं किसी की लाइफ सेव नहीं कर पाई नंबर वन में तो फेल हो जाती हैं बट इसी तरीके से मोहन सिंह नाम के एक कोई इंसान है जो क्लाइंब कर रहे होते हैं उस वक्त एंड ही वॉज ऑल्सो यू नो इन ट्रबल बिकॉज उनका ऑक्सीजन खत्म हो गया था तो उनको सेव कर लेती हैं कौन संतोष यादव जी बाय शेयरिंग हर ऑक्सीजन विथ हिम ऑक्सीजन शेयर करना बहुत बड़ी बात है बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है हाइट्स पर जाकर ऑक्सीजन कम हो जाता है तो वैसे ही बहुत दिक्कत आती है ब्रीथिंग में बट संतोष यादव वो सच ए नाइस ह्यूमन बींग इतनी अच्छी फेलो क्लाइमेट थी वो दैट शी हेल्प दिस पर्सन मोहन सिंह टू सेव हिज लाइफ बाय शेयरिंग हर ऑक्सीजन विथ हिम नेक्स्ट इज शी सिक्योर्ड अ यूनिक प्लेस फॉर इंडिया एंड herself by creating क्रिएटिंग हिस्ट्री इन माउंटेनियरिंग एंड स्केलिंग इट in her इन हर लाइफ टाइम तो यहाँ पे एक बात होती है एक नेपलीस करके यू नो इनकी माउंटेन की पूरी माउंटेनियरिंग की पूरा ग्रुप होता है वो उनको join कर लेती हैं और फिर उनके साथ माउंट एवरेस्ट को फिर से क्लाइम करती हैं तो वो क्या करा उन्होंने उन्होंने हिस्ट्री में एक रिकॉर्ड बना दिया इंडिया के नाम पर और वो ये था शी बिकेम फर्स्ट woman टू तो क्लाइम माउंट एवरेस्ट टू दो बार उन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया एंड शी बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू गेट दिस और टू अचीव दिस क्लियर तो उनका ये जो अकम्पलिशमेंट था उनका जो अचीवमेंट था डट वॉज समथिंग वेरी बिग एंड इट वॉज ऑल पॉसिबल बिकॉज ऑफ अर डिटर्मिनेशन ऐसा नहीं था एक बार कर तो लिया माउंट एवरेस्ट क्लाइम अब क्यों करूँ बट यू वॉज सो फोकस्ड यू वॉज सो डिटर्मेंड शी वॉज सो फॉन्ड ऑफ डूइंग दिस कि वो दूसरी बार भी क्लाइंब कर लेती है माउंट एवरेस्ट को क्लियर ऑल राइट संतोष वॉज अवार्डेड वन ऑफ द हाइएस्ट सिविलियन ऑनर्स द पद्मश्री बाय द इंडियन गवर्नमेंट फो अचीविंग दिस मावल स्पीट ऑब्वियसली उन्होंने इतना बड़ा कुछ अचीव किया इंडिया को प्राउड फील कराया तो उनको एक ऑनरेबल अवार्ड एक रिस्पेक्टबल अवार्ड दिया गया वो क्या था वो था पद्मश्री पद्मश्री एक बहुत अच्छा बहुत बड़ा अवार्ड है एक ऑनर है किसी भी इंडियन के लिए और उनको उस चीज़ से नवाजा गया शी वॉज अवार्डेड विद पद्मश्री हर क्वालिटीज ऑफ डिटर्मिनेशन फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ इम्प्रेस्ड हर सीनियर्स अब उनकी क्वालिटीज जिसकी वजह से यू नो व्हाट शी इज राइट नाउ हम क्यों पढ़ रहे हैं उनके बारे में क्योंकि उनकी बहुत अच्छी उनमें क्वालिटीज़ है वो ये थी सबसे पहली चीज़ वो बहुत डिटर्मेंट थी जो हर किसी को होना चाहिए हमें भी होना चाहिए इवन कोई बुक भी पढ़ रहे हो कोई स्टोरी भी पढ़ रहे हो कुछ भी काम कर रहे हो ना डिटर्मिनेशन के साथ वो पैशन वो एनर्जी के साथ करो बहुत ब्यूटिफुल काम होता है और बहुत अच्छी खुशी मिलती है एट दी एंड कि वाओ वी डिड इट भले वो छोटी चीज होती है चीज़ क्यों ना हो क्लियर सेम वे संतोष यादव जो थी वो हर चीज के लिए डिटर्मेंट थी शी वॉज ऑलवेज फोकस्ड दिस वॉज नंबर वन क्वालिटी जिसकी वजह से उनके सीनियर्स बहुत ज्यादा इंप्रेस थे उनसे नंबर टू उनमें फिजिकल एंड्योरेंस फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा थी मतलब वो इतनी सी उम्र में इतनी टफ थी इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि उनको कोई यू नो माउंटेन क्लाइंब करना माउंटेयरिंग करना कितना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है हाइट पर जाकर लोग क्लीमेटाइज नहीं कर पाते अडाप्ट नहीं कर पाते विदुएशन बट उनकी वो फिजिकल स्ट्रेंथ जो इंड्योरेंस थी वो 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 भी बहुत लाजवाब थी और इसकी वजह से उनके जो सीनियर्स हैं उनसे बहुत इंप्रेस थे एंड थर्ड थिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वो क्या थी उनकी मेंटल स्ट्रेंथ मेंटली भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉंग थी ऐसा नहीं था कि ट्वेंटी ईयर्स ऑफ एज पे कौन मेंटली स्ट्रांग होता है आजकल तो चलो फिर भी ठीक है तब के टाइम पे वेन शी डिड दिस लाइक दिसकटी टू शीज ट्वेंटी उस वक्त पे इतनी ज्यादा मेंटल स्ट्रेंथ होना एक बच्ची में वो बहुत बड़ी बात है दैट टू माउंटेन क्लाइंब करने के लिए तो मेंटली भी बहुत ज्यादा टफ थी फिजिकली भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी और डिटर्मिनेशन तो उनमें बहुत ज्यादा था और दीज थ्री क्वालिटीज वर द वन जिनकी वजह से उनके सीनियर्स उनसे बहुत ज्यादा इंप्रेस थे हर फेलो क्लाइंबर्स अप्रिशिएटेड हर कंसर्न फॉर अदर्स एंड विलिंगनेस टू वर्क इन अ टीम और उनके साथ जो माउंटेन क्लाइंब करते थे दे वर ऑल्सो वेरी हैप्पी विद संतोष यादव बिकॉज वो बहुत ज़्यादा केयरिंग थी जिस तरीके से उन्होंने मोहन सिंह की जान बचाई ये एक चीज़ बताता है कि हाउ केयरिंग शी वॉज यानी कि वो अपने फेलो क्लाइंबर्स का ध्यान भी रखती थी एंड ऑल्सो टीम में काम करने की जो क्वालिटी होती है टीम वर्क स्किल्स जो होती हैं वो उनमें था शी वॉज अ टीम प्लेयर एंड दीज टू क्वालिटी ऑल्सो इम्प्रेस्ड हर फेलो क्लाइंबर्स ज्वाइंट एंड इंडो नेपलीजन एक्सपेडेशन अभी जो मैं बोल रही थी नेपलीज ग्रुप होता है वो था इंडो नेपलीज ग्रुप दैट वॉज अ वमेन एक्सपेडेशन वेमेन ग्रुप था और उसमें उनको इन्विटेशन आता हैल्सो ज्वाइन और इसके बाद ही वो माउंट एवरेस्ट को दो बार क्लाइंब कर लेती है एंड क्लाइंड एवरेस्ट टाइज दस बिकमिंग द फर्स्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू क्लाइम द पीक ट्वाइस तो किस तरीके से उन्होंने कब किया यू नो ये माउंट एवरेस्ट को दो बार क्लाइंब जब वो इंडो नेपलीज ग्रुप में पार्टिसिपेट करती है उनके साथ जुड़ जाती है और फिर वो माउंट एवरेस्ट को फिर से क्लाइंब कर लेती है संतोष रिकलेक्ट्स हर फीलिंग्स वन शी वॉज लिटरली एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड शी टुक टाइम टू रियलाइज दैट शी हैज अचीव समथिंग एल्स तो जब उनके इंटरव्यूज होते हैं यू नो कि आप कैसा फील कर रही थी जब आप माउंट एवरेस्ट के बिल्कुल टॉप पे खड़ी हैं और इतना बड़ा एवरेस्ट है इतना बड़ा हिल है कि उससे यू नो पूरा वर्ल्ड दिखे इस तरीके से दिखता है यानी टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे थी वो वर्ल्ड की सबसे ऊंची एक हाइट पर थी वो सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे थी तो उस वक्त उनसे पूछा जाता है कि हाउ आर यू फीलिंग मतलब कितनी अलग फीलिंग होगी तो शी इज़ लाइक इट टुक टाइम फॉर मी टू यू नो अंडरस्टैंड कि ये मैंने अचीव कर लिया है वो बोलती है मुझे बहुत टाइम लगा थोड़ा यू you नो know, कि हाँ मतलब मैं कर चुकी हूँ ये अचीव बिकॉज दिस वॉज समथिंग इनक्रेडिबल फॉर हर्ट वॉज ओवरवेलमिंग एंड शी वॉज लाइक वाओ आई हैव अचीव्ड इट तो उसको एक्सेप्ट करने में उनको थोड़ा टाइम लगा था she hoisted the indian flag on the top of mount everest on the highest point of the world she cannot put the great feeling into words she felt proud to be an indian the so, when she paharati you know at the top of the mount everest that time she unfurled the national flag tricolour flag her national flag उसको वहां पर यू नो अनफल करती हैं और वहाँ उनको ऐसा लग रहा था कि उन्होंने बहुत बड़ी चीज़ अचीव कर लिया बिकॉज शी वॉज फीलिंग प्राउड टू बी एन इंडियन वो जो फीलिंग थी वो वर्ड्स में नहीं बता पाती हैं बिकॉज ऑब्वियसली वो जो फील कर रही होंगी दैट वुड बी समथिंग दैट इज यू नो वो प्राइड की आई एम एन इंडियन तो वो बोलती हैं कि इट वॉज सच अ ग्रेट मोमेंट As she believes in preserving the environment, she did her bit by bringing down 500 kgs of garbage from the Himalayas. और एक और चीज़ है उनके बारे में कि वो बहुत ज्यादा इन्वायरमेंट पर्यावरण के बारे में भी सोचती हैं और उसके लिए उन्होंने क्या किया माउंट एवरेस्ट से वो 500 500 किलो 500 हंड्रेड के जीस ऑफ गार्बेज लेकर आई थी वहां से सो so दैट वो उससे यू you नो know, साफ भी हो जाएगा वहां से और मे बी उसको वो रिसाइकल करके यूज भी कर सकती हैं तो वो इन्वायरमेंट के प्रति भी बहुत ज्यादा यू नो डिटर्मेंट है बहुत ज्यादा उनको लगता है कि आई वॉन्ट टू वर्क फॉर दी इन्वायरमेंट सो ओवरऑल जब हम ये पूरा चैप्टर पढ़ते हैं समरी भी देखते हैं तो क्या पता चलता है कि भले ही शी वॉज बिलोंगिंग टू अ फैमिली जहां पे कस्टम्स ट्रेडिशन बहुत ज्यादा फॉलो करते करते थे लोग तो वो भी कर सकती थी बाकी लड़कियों की तरह वो भी उनकी भी शादी जाती है 16 इयर्स ऑफ एज वो भी उसी तरीके से उसी स्कूल में पढ़ती रहती एंड फिर आज हम उनके बारे में नहीं पढ़ते बट शी वाज सो डिटरमिंड सो फोकस्ड टुवर्ड्स हर गोल दैट शी डिड इट शी स्टूड यू नो अगेंस्ट दीस कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस बट बहुत अच्छे से कभी लड़ाई झगड़ा फाइट आर्गुमेंट की बात हमने पढ़ी नहीं है बहुत पेशेंस के साथ बहुत कामनेस के साथ उन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ रखे कि अगर मैं पढ़ाई नहीं करूंगी तो मैं कभी भी शादी नहीं करूंगी और अगर आप मुझे फीस नहीं दोगे तो मैं पार्ट टाइम जॉब कर लूंगी तो हर चीज़ का उनके पास एक यू नो सोल्यूशन था जिससे बहुत हैप्पीली उनके पेरेंट्स भी एग्री करते गए एंड सी टूडे शी इज़ प्राउड ऑफ आर नेशन शी इज़ वन जिसकी वजह से वी फील दैट येस इंडिया का नाम जो है वो हिस्ट्री में इनकी वजह से भी जाना जाता है क्लियर सो आई होप आपको ये पूरी समरी जो है वो क्लियर हो चुकी है और बहुत सी चीज़ें हैं उनकी पर्सनलिटी ट्रेट्स हैं जिनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं वी गेट टू लर्न दैट वी शुड बी डिटर्मेंड एंड फोकस एंड इफ यू फील कि अगर हम कुछ अचीव करना चाहते हैं लाइफ में दैट वुड हेल्प नॉट ओनली आज बट आर नेशन बट आर सोसाइटी डेफिनेटली वर्क फॉर इट डू वर्क फॉर यू नो हंड्रेड परसेंट फॉर इट गिव यू मोर देन हंड्रेड परसेंट आई वुड से ताकि you know, आप उसे अचीव तो करी लो आप भी बहुत ज्यादा प्राउड फील करो नेशन भी बहुत ज्यादा प्राउड फील करें एंड ऑल्सो आप ही संतोष यादव जी की तरह जाने जाओ क्लियर ऑल राइट